बच्चों, आज हम आपकी अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक ए बी सरस्वती मंथन कक्षा 5 के पाठ 9 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ का शीर्षक है दानव और बच्चे। जैसा कि शीर्षक से हमें पता लग पा रहा है कि ये पाठ कितना रोचक है। बच्चों, आपकी पुस्तक में जितने भी पाठ अभी तक हमने पढ़े हैं वो सभी पाठ बहुत ही रोचक हैं और किसी विशेष उद्देश्य और किसी विशिष्ट संदेश के उद्देश्य को ये सभी पाठ पूरा करते हैं। इसी श्रृंखला में आप जो ये कथा पढ़ने जा रहे हैं, इस कथा के माध्यम से बाल मनोविज्ञान को स्पष्ट किया गया है कि बच्चों का मन, कोमल मन कैसे होता है। बच्चे कैसे जो है उनका मन बिल्कुल निश्चल होता है, शीशे की तरह साफ होता है। इसीलिए इस पाठ का उद्देश्य बच्चों की खुशी में सबकी खुशी है इस तथ्य को स्पष्ट करता है। और आपने देखा होगा कि अभी तक हमने जितनी कविताएं और पाठ पढ़े हैं वो उनमें हमने खेल खेल में ही हिंदी भाषा का ज्ञान कितने अच्छे तरीके से प्राप्त किया है। और इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए इस पाठ में और इस पाठ की कथा में आपको कितना आनंद आने वाला है ये पाठ को पढ़ने से ही पता चल पाएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करें पाठ को। चलिए, दोपहर में पाठशाला से लौटते हुए बच्चे दानव के बगीचे में खेलने लग जाते हैं। बच्चों, दानव एक राक्षस को बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक कहानी है जो दानव और बच्चों के मध्य की कहानी है, मध्य यानी दानव और बच्चों के बीच की कहानी है। तो एक दिन क्या होता है कि दोपहर में पाठशाला से जब बच्चे लौट रहे होते हैं तो वो दानव के बगीचे में खेलने लग जाते हैं। बीच में एक बगीचा पड़ता था और वो बगीचा था दानव का, यानी राक्षस, किसी राक्षस का बगीचा था। वो दानव का बगीचा बड़ा सुंदर था, उसमें नरम नरम घास का गलीचा बिछा हुआ था, गलीचा यानी कारपेट, तथा जहां तहां क्यारियों में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। बगीचे में आड़ू के कई पेड़ थे। आड़ू जानते हो ना, एक फल होता है बच्चों, जिसे हम पियर, जिसे हम क्या बोलते हैं आड़ू को, आड़ू को बताइए क्या बोला जाता है। बगीचे में आड़ू के कई पेड़ थे। आड़ू यानी एक फ्रूट होता है जिसको हम पीच बोलते हैं, है ना। तो पीच को हिंदी में आड़ू बोलते हैं। तो आड़ू के उस बगीचे में बहुत सारे पेड़ थे जिन पर गर्मियों में सुंदर फूल खिलते, मीठे फल लदे थे। इन पेड़ों पर बैठकर पक्षी मधुर संगीत सुनाते और बच्चे अपने खेल को भूलकर उनके संगीत में खो जाते थे। दानव अपने मित्र के यहाँ गया हुआ था, यानी जिस टाइम बच्चे वहाँ खेलते थे उस दौरान दानव जो है अपने मित्र के यहाँ गया हुआ था। वहाँ कुछ समय बिताने के बाद वह घर लौटा। वह जैसे ही भीतर घुसा, उसे बगीचे में कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। वह ऊंची आवाज में चिल्लाया, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? दानव क्या बोला बच्चों से? दानव बोला बच्चों से कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो?
बच्चे दानव की डरावनी आवाज सुनकर भाग खड़े हुए। ये बगीचा मेरा है, किसी को भी इसमें घुसने की आज्ञा नहीं है। मैं स्वयं इसमें रहूंगा और स्वयं ही इसके फल खाऊंगा, दानव ने चिल्ला कर कहा। उसने बगीचे के आसपास एक ऊंची चार दीवारी बनवाई और बाहर एक तख्ती लटका दी जिस पर लिखा था, अंदर आना मना है। बेचारे बच्चों का खेलने का स्थान छिन गया। अब वे धूल भरी सड़क पर खेलते, कहां बगीचे की नरम नरम घास, पेड़ों की ठंडी छाया और कहां धूल भरी गर्म सड़क। वे सोचते, बगीचे में खेलकर हम सब कितने प्रसन्न थे। वसंत ऋतु आई, पेड़ों में नई कोपले खिली। कोपले जानते हो ना बच्चों, किसको बोलते हैं कोपले? क्या होती हैं कोपले? जो छोटी छोटी कलियां होती हैं ना फल की, जब फल लगने वाला होता है तो सबसे पहले फल पेड़ के ऊपर कोपले निकलती हैं। कोपल से फूल, फिर फूल से फल, ठीक है? तो कोपल मतलब कलियां। पक्षी चहचहाने लगे, चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल उठे, सुगंधित हवा बहने लगी। परंतु स्वार्थी दानव के बगीचे में पेड़ ठूंठ से खड़े रहे, न उनमें नई कोपले निकली और न बगीचे में कोई फूल ही खिला। नरम नरम हरी घास भी सूख कर पीली पड़ गई। कोई पक्षी उस बगीचे में नहीं चहका। ठंडी और सूखी हवाएं चलती रहीं और दानव मन ही मन सोचता रहा, कब ये सर्दी समाप्त होगी और वसंत आएगा। दानव के बगीचे में वसंत को न तो आना था न आया। एक दिन दानव अपने घर में लेटा हुआ था, अकस्मात उसे कहीं से मधुर संगीत सुनाई दिया। वह तुरंत उठ बैठा। एक चिड़िया उसकी खिड़की के बाहर चहचहा रही थी। दानव ने बहुत समय से किसी पक्षी की आवाज नहीं सुनी थी, इसलिए इस चिड़िया का चहचहाना दानव को स्वर्गिक संगीत जैसा लगा। स्वर्गिक संगीत का मतलब होता है, उसे इतना अच्छा लगा मानो स्वर्ग में संगीत बज रहा हो। स्वर्गिक संगीत का मतलब स्वर्ग का संगीत। ओह, तो आ गया वसंत। यह कहते हुए वह अपने बिस्तर से कूदा और बाहर बगीचे में देखने लगा। दानव ने अपने बगीचे में एक अनुपम दृश्य देखा। अनुपम का मतलब होता है ऐसा दृश्य जिसकी कल्पना न की जा सके, जिसकी उपमा न दी जा सके, यानी अनुपम दृश्य देखा। अनुपम बहुत सुंदर, जिसके बारे में कभी सोचा ही ना हो, ऐसा दृश्य। क्या दृश्य था वो? बगीचे की चार दीवारी में एक बड़ा सा छेद हो गया था। उसमें से बच्चे बगीचे में घुस आए थे। पेड़ों के आसपास बच्चे प्रसन्नता से नाच रहे थे और पेड़ों की शाखाएं झूम झूम कर उनका स्वागत कर रही थी। चारों ओर रंग बिरंगे फूल अपना सिर उठाए मुस्कुरा रहे थे। पक्षी भी अपने पंख फैलाए एक डाल से दूसरे डाल पर फुदक रहे थे। बच्चों की खिलखिलाहट और पक्षियों के चहचहाने से एक नैसर्गिक दृश्य उपस्थित हो गया था। नैसर्गिक का मतलब होता है बच्चों प्राकृतिक, नेचुरल, ठीक
ठीक है। बगीचे का एक कोना अभी भी सुना था। वहां एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। वह इतना छोटा था कि डालियों को छू भी नहीं सकता था। वह पेड़ के आसपास चक्कर लगाता हुआ रो रहा था। पेड़ बार बार अपनी टहनियों को झुकाता जिससे कि बालक उन्हें छू सके और उस पर भी बाहर आ जाए, पर बालक का हाथ उस तक नहीं पहुंच पाता था। दानव ने जैसे ही ये दृश्य देखा उसका हृदय पिघल गया। उसने सोचा, मैं कितना स्वार्थी हूं, मैंने इन बच्चों को अपने बगीचे में घुसने से मना कर दिया था, इसलिए मेरे यहां वसंत नहीं आया। मैं अभी इस दीवार को तोड़ दूंगा और अपने बगीचे में इन्हें खेलने दूंगा। देखिए, दानव का मन भी परिवर्तित हो गया उन बच्चों को देख करके। दानव धीरे से निकला और पेड़ के नीचे रोते हुए उस बच्चे के पास जा पहुंचा। बगीचे में दानव को आते देख सभी बच्चे भाग खड़े हुए, क्योंकि वो तो डर गए थे ना उसको देख करके। और छोटा सा जो बच्चा था, छोटा बच्चा सहम गया यानी डर के मारे एकदम शांत हो गया। दानव ने उसे पुचकार कर गोद में उठा लिया और पेड़ की शाखाओं तक पहुंचा दिया। पेड़ की शाखाएं प्रसन्नता से झूम उठी और तुरंत उनमें कलियां चटकने लगी। पक्षी उस पेड़ पर बैठकर गाने लगे। छोटे बच्चे ने अपनी दोनों बाहें दानव के गले में डाली और उससे चिपक गया, मानो वो उसको क्या दे रहा हो, मानो वो उसको धन्यवाद दे रहा हो। बगीचे की टूटी हुई दीवार से कई बच्चे झांक रहे थे। उन्होंने जब दानव को बच्चे से प्यार करते देखा तब वे बगीचे के भीतर आ गए, क्योंकि उनका डर खत्म हो गया था। और उन्हीं के साथ मुस्कुराता हुआ वसंत भी बगीचे में आ गया। दानव ने फावड़ा उठाया और चार दीवारी को तोड़ने लगा। बच्चे उसके आसपास कूदने लगे। बगीचा पहले की तरह बहुत ही सुंदर हो गया है। तो बच्चों, आपने देखा ना कमाल। इस पाठ से हमें ये पता लगा कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और वो जहाँ उनके पैर पड़ते हैं, जहाँ वो खेलते हैं, जहाँ वो चहकते हैं, वहीं पर ही वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है, जिस तरह से दानव के बगीचे का हो गया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें ये सीख मिली कि बच्चों की हंसी में स्वर्गिक सुख है, अर्थात स्वर्ग का सुख है। ऐसा सुख है जो सुख स्वर्ग में ही प्राप्त हो सकता है, वो सुख हमें बच्चों की हंसी में ही अनायास मिल जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ के शब्दार्थ करते हैं। दानव यानी राक्षस या बुरा आदमी, डरावनी डराने वाली, अकस्मात अचानक, अनुपम सर्वोत्तम, स्वार्थी अपना मतलब सिद्ध करने वाला, मधुर मीठा, चार दीवारी चारों ओर की दीवार, स्वर्गिक स्वर्ग जैसा, नैसर्गिक प्राकृतिक, फावड़ा मिट्टी खोदने का यंत्र, जिससे मिट्टी खोदते हैं उसको फावड़ा बोलते हैं। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की ओर। अभ्यास कार्य में
मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला में सोचिए और बताइए के अंतर्गत पहला प्रश्न है, बच्चे कहाँ खेलने जाते थे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बता देते हैं आपको। बच्चे दानव के बगीचे में खेलने जाते थे। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों को बगीचे में खेलने से किसने मना किया। तो इसका उत्तर आपको पता ही है, फिर भी हम बता देते हैं, बच्चों को बगीचे में खेलने से दानव ने मना किया। अगला प्रश्न, वसंत आने पर भी बगीचे के फूल क्यों नहीं खिल रहे थे। इसका उत्तर होगा, दानव ने बच्चों को बगीचे में खेलने नहीं दिया, इसलिए वसंत आने पर भी बगीचे के फूल नहीं खिल रहे थे। अगला प्रश्न, जब दानव ने बच्चों को बगीचे में देखा तो क्या किया। इसका उत्तर होगा, जब दानव ने बच्चों को बगीचे में देखा तो वह आग बबूला हो गया और वहां से बच्चों को भगा दिया। ऐसा ही किया था ना दानव ने। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे लिखित पाठ ज्ञान की ओर। इसमें पहला प्रश्न है, किसने कहा, और इसका पहला वाक्य है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। किसने कहा, दानव ने। अगला वाक्य है, बगीचे में खेलकर हम सब कितने प्रसन्न थे। ये पंक्ति किसने बोली थी, बच्चों ने। अगला वाक्य, कब ये सर्दी समाप्त होगी और वसंत आएगा, किसने बोला था, दानव ने। अगला वाक्य, मैं कितना स्वार्थी हूँ, मैंने इन बच्चों को अपने बगीचे में घुसने से मना कर दिया, किसने बोला था ये, दानव ने। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए शब्दों की मदद से खाली स्थान भरिए। देखो बच्चों आपको शब्द दिए हुए हैं, इनसे हेल्प लेकर के हमें ये सभी फिलअप्स भरने हैं। इसमें पहला है, डैश का बगीचा बहुत ही बड़ा और सुंदर था। तो इसमें आएगा दानव, दानव का बगीचा बहुत ही बड़ा और सुंदर था। अगला वाक्य, दानव ने बगीचे के आसपास एक ऊंची डैश बनवाई। क्या बनवाई थी, चार दीवारी। अगला वाक्य, चिड़िया का चहचहाना दानव को डैश संगीत जैसा लगा। कौन सा संगीत लगा था, स्वर्गिक। दानव ने उसे डैश कर गोद में उठा लिया। दानव ने उसे क्या करके गोद में उठा लिया, पुचकार कर। बच्चों की डैश और डैश से सारा बगीचा गूंज रहा था। बच्चों की हंसी और कहकहों से सारा बगीचा गूंज रहा था। तो बच्चों हमने देखा कि हमने पाठ के अभ्यास के दो प्रश्नों को हल कर लिया है। शेष प्रश्नों को आप स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे और मुझे पूरी आशा है कि आप बहुत आसानी से इन सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। धन्यवाद।